जनरल डायल के घर से जलियांवाला बाग तक निकाला गया मार्च। मार्च में शामिल लोगों का कहना है कि जनरल डायल ने जलंधर स्थित अपने घर से बारूद लेकर चला था और यहां आकर निहत्थे भारतीय पर फायरिंग कर दी। जलियांवाला बाग खूनी साके को 13 अप्रैल 1919 को हो रहे 100 साल पूरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने तहत निकाला गया ये मार्च। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। उन्हीं शहीदों की शहादत की वजह से आज आजाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 में हुई खूनी साके को इस बार 100 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके तहत आज जनरल डायल के जलंधर के घर से जलियांवाला बाग तक मार्च निकाला गया। यह मार्च जलियांवाला बाग में पहुंचा और शहीदों को श्रद्धांजलि दे शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। 13 अप्रैल 1919 के खूनी साके को अंजाम देने वाले जनरल डायल ने जलंधर के घर से 365 लोगों का वफद आज जलियांवाला बाग पहुंचा। इस वफद का मुख्य मकसद खूनी साके को 100 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि देना और शहीदों के परिजनों को सम्मानित करना था। वफद में आए लोगों का कहना है कि जनरल डायल उस समय जलंधर में रहता था और वहीं से जनरल डायल गोला बारूद लेकर चला था। आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वह यहाँ पहुंचे हैं। इस कृतकर्म में शिरकत करने पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांता चावला का कहना है कि जनरल डायल ने उस समय बेकसूर निहत्थे भारतीयों और गोलियां चला शहीद कर दिया। आज उन्हीं शहीदों की वजह से वह खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनकी शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए। 100 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे देश में जो भावना तब थी आज़ादी की लड़ाई की, आज जलियांवाले बाग में श्रद्धांजलि देने के लिए भी वही जोश है, वही जज्बा है। हमें देशवासियों को एक ही बात कहनी है कि जैसा आयोजन जलंधर के इस संस्था ने किया, प्रिंसिपल अनूप वत्सी के नेतृत्व में ये लोग जलंधर से आए हैं, ऐसे देश के हर विद्यार्थी को, हर अध्यापक को, हर नागरिक को जलियांवाला बाग में क्या है, इसकी धरती में कितनी आग है देशभक्ति की, वो सबको अपने हृदय में रखनी चाहिए और तन से, मन से, आत्मा से हमें शुद्ध भारतीय बनना है। मैकॉले के हमने अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करनी, हमारी शान हिंदुस्तानी के नाते है, हिंदुस्तान से है। भारत माता की जय। आज जलियांवाले बाग दे 100 साल पूरे हो जा रहे ने, उस साके की जिहड़ी शताब्दी पूरे दुनिया च मन रही है, उसनू समर्पित असी एक विशेष प्रोग्राम अज जलियांवाले बाग च उलीकिया और उस तो भी पहला एक श्रद्धांजलि मार्च के रूप के जलंधरों असी इतने लगभग 500 लोग आए हैं। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, जलंधर के गणमान्य व्यक्ति इस मार्च में शामिल सके और इस मार्च के पिछे साडा जिहड़ा योजना सी, इस मार्च में असी उस कोठी तो शुरू किया जिथे डायर रहिंदा सीगा और 100 साल पहला डायर जिस कोठी चो गोली और बारूद लैके निकलिया सीगा, अज उस कोठी चो असी शांति और प्रेम और सौहार्द का संदेश लैके जलंधरों तुरे हाँ और अमृतसर पहुँचे हैं और उस सरजमी के उत्ते आके फंक्शन किया। उन्होंने शहीदों को जिते सन्मानित किया हैगा, उन्होंने असी याद किया हैगा, नाल उस साके दे विच जिहड़े परिवारों के लोग जिन्होंने अपनी जान गवाई सी, उन्होंने परिवारों के अगले रिश्तेदारों विचों चुनिंदा बंदियां इत्थे सन्मानित भी किया और 500 दे बच्चे कोई लगभग NCC दे कैडेट अमृतसरों भी असीं इकट्ठे किए सीगे और पिछे उद्देश्य यह सीगा कि अज दी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उसनू भारत दी जिहड़ी अमीर इतिहास है और आज़ादी के गुलाटियां दे जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्हों का योगदान है, उन्होंने तो जाणू करवाना। और मैं इस गल की बड़ी खुशी है कि मेरे इस सदे ते, साड़ी कमेटी के इस सदे ते अमृतसर और जलंधर के लोगों ने बहुत वड्डा हुंगारा दिता है और असी आस करांगे कि जो सबक अज नौजवानों ने इत्थे सिख्या है, चाहे वह लक्ष्मीकांता चावला जी ने गल्लां दसियां, चाहे हरचरण बेदी ने दसियां या प्रोफेसर दरबारी लाल उन्होंने दसियां, उन्होंने गल्लां नूं जे अस जिंदगी च ढालांगे तो एक बेहतर भारत का निर्माण असी कर पावांगे।